हे गाइस, मैं वाजिर फ्रॉम nerdhunt.com और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेनेट की एंडिंग के बारे में। अगेन, मैं इसे जितना हो सके उतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने की कोशिश करूंगा। तो कार चेस सीन के दौरान सेटर ने अपना टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट रन करके एल्गोरिथम का फाइनल पीस भी हासिल कर लिया और अपने आदमियों को बोलकर उसे बाकी एल्गोरिथम के पार्ट्स के साथ स्टार्स 12 भिजवा दिया। यहाँ पर सेटर के आदमी 14 तारीख को टनल में बॉम्ब ब्लास्ट करके उस एल्गोरिथम को जमीन में गाड़ देंगे। सेटर का लाइफ टाइम मिशन बस इतना ही था, उस एल्गोरिथम के सारे पार्ट्स इकट्ठा करके स्टार्स 12 में गाड़ देना। ये वही ब्लास्ट है जिसके बारे में सर माइकल ने ऑलरेडी प्रोटैगनिस्ट को बताया था इस वाले सीन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज भी हो चुकी है। व्हाट्स हैपेंड हैपेंड। फिर भी उस लूप को क्लोज करने के लिए सारे कैरेक्टर्स को उनका रोल प्ले करना पड़ेगा। फिर हमें पता चलता है कि उन रेडियो एक्टिव पार्ट्स को इकट्ठा करते वक्त सेटर जानलेवा कैंसर का शिकार हो गया, जिसका इलाज नहीं किया जा सकता। 14th वही डेट है जिस दिन सेटर और कैट वियतनाम घूमने गए थे। सेटर के हिसाब से उसकी लाइफ का सबसे अच्छा दिन। अल्गोरिदम को सक्सेसफुली गार्ड देने के बाद सेटर सुसाइड करने वाला था ताकि वो अपने साथ सारी दुनिया को लेकर डूबे। तो हमारे हीरोज को अल्गोरिदम को हासिल करना है, बट वो बॉम्ब ब्लास्ट को नहीं रोकेंगे ताकि सेटर और बाकी लोगों को ऐसा लगे कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। एक बार अल्गोरिदम इनके हाथ लग गया तो सेटो मरे या जिए इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोटैगनिस्ट नील टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट रन करने 14th वाले स्टार्स 12 जाते हैं। तो उसी दिन कैट अपने एंट्रोपी रिवर्ट करके वियतनाम जाती है ताकि वो सेटर को मरने से रोक सके। याद है ना, जब तक प्रोटैगनिस्ट उसकी टीम सक्सेसफुली एल्गोरिथम हासिल नहीं कर लेती, सेटो का जिंदा रहना जरूरी है। 14th वाली ओरिजिनल कैट अपने बेटे मैक्स को लेकर साइट सीइंग को गई थी। उसी वक्त फ्यूचर की कैट यार्ड पर जाकर फ्यूचर वाले सेटो का इंतजार कर रही थी। यस, यहां जो सेटो आएगा वो फ्यूचर वाला सेटो है जो अपने बेस्ट मोमेंट को जीने के बाद अपनी जान देने आया है। बट इस सेटर को नहीं पता कि जिस कैट से वो यहां मिलने वाला है वो कैट भी उसी की तरह फ्यूचर से आई है। ये दोनों अपनी एंट्रोपी रिवर्स करके 14 तारीख तक आए और बाद में फिर से एंट्रोपी फॉरवर्ड करके नॉर्मल हो गए, इसीलिए दोनों ने भी ऑक्सीजन मास्क नहीं पहना। ओके, ये सबसे सिंपल पार्ट था। अब चलते हैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट की तरफ, स्टार्क्स 12। इधर आइव्स की टीम टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट रन करके एल्गोरिथम को हासिल करने का प्लान बनाती है। टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट नाम से कंफ्यूज हो तो पहले मेरा वो वाला वीडियो देख लेना। सिंपल भाषा में दो टीम साइमल्टेनियसली एक मिशन को अंजाम देंगे। रेड टीम टाइम में फॉरवर्ड जाएगी और ब्लू टीम रिवर्स। दोनों टीम के पास 10 मिनट्स होंगे और दोनों टीम्स को अपनी अलग अलग ब्रीफिंग मिले हैं, बट इन्हें एक दूसरे के मिशन और टीम मेंबर्स के बारे में समय से पहले ज्यादा कुछ नहीं पता होगा। इन शॉर्ट, मिशन के पहले एक दूसरे के बारे में जितना कम पता हो उतना अच्छा होगा, टू मेक श्योर कि टाइम लूप सही से क्लोज हो। दोनों टीम का मिशन होगा सेटो के आदमियों को डिस्ट्रैक्ट करके धमाका होने से ना रोकना ताकि उन्हें लगे कि उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया। उसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर स्प्लिंटर यूनिट यानी आयुष और प्रोटैगनिस्ट एल्गोरिथम को धमाके से पहले अपने कब्जे में ले लेंगे। धमाका होने के बाद सेटर उसके आदमी को लगेगा कि एल्गोरिथम जमीन में दफन हो गया, बट एक्चुअल में एल्गोरिथम आयुष और प्रोटैगनिस्ट के पास होगा। बट ये मिशन जितना लग रहा है उतना सिंपल नहीं। प्रॉब्लम यह कि स्टार्स 12 में भी एक टर्न स्टाइल मशीन मौजूद है, तो हो सकता है कि इनका सामना कुछ इन्वर्टेड दुश्मनों से भी हो। आयुष और प्रोटैगनिस्ट के अलावा उस एल्गोरिथम के बारे में किसी को नहीं पता होना चाहिए। अगर किसी को भनक लग गई तो वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। ओके, प्रोटैगनिस्ट आयुष रेड टीम में है और नील ब्लू टीम में है। स्प्लिंटर यूनिट ब्लू टीम के ढूंढे इस सीक्रेट एंट्रेंस पॉइंट को यूज करके टनल के अंदर जाएंगे। उसी वक्त बाकी के सोल्जर सेटर के आदमियों का ध्यान भटकाए रखेंगे। प्लान के मुताबिक आयुष और प्रोटैगनिस्ट उस सीक्रेट एंट्रेंस की तरफ भागते हैं, बट तभी इन्वर्टेड नील देखता है कि सेटो के आदमी ने एंट्रेंस के अंदर ट्रिप वायर बॉम्ब लगा दिया। नील वहां लगी टर्नस्टाइल मशीन की मदद से अपनी एंट्रोपी चेंज करता है और रेड टीम के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में आकर आयुष और प्रोटैगनिस्ट को आने वाले खतरे के बारे में बताने की कोशिश करता है। नील इन्हें हॉर्न बजाकर बता रहा था कि भाई अंदर मत जाना, वहां पर ट्रिप वायर लगा है, बट ये दोनों हॉर्न को इग्नोर करके अंदर घुस जाते हैं। ये दोनों ब्लास्ट से तो बच गए, बट टनल का एंट्रेंस और एग्जिट ब्लॉक हो गया। मतलब अगर इन्हें नीचे एल्गोरिथम मिल भी जाए तब भी इनके बाहर आने के वादे होंगे। आयुष और प्रोटैगनिस्ट अंदर जाकर देखते हैं कि केज लॉक्ड है और केज के उस पार उनके एक ब्लू सोल्जर की लाश पड़ी है। उस सोल्जर के बैग पर यह अजीब टाइप का कीचेन लगा है। तभी वहां पर सेटो का आदमी आकर बुलेट फायर करता है। गोली केज से टकरा के आयुष के हेलमेट पर लगती है और वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। फ्यूचर वाला सेटो वियतनाम में बैठा प्रोटैगनिस्ट से बात करता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, इसका प्लान तो सक्सेसफुल होकर ही रहेगा। सेटो का आदमी एल्गोरिथम को गड्ढे में डालने की तैयारी कर रहा था, बट वो टाइम कैप्सूल किसी वजह से अटक जाती है। तभी सेटर उसके आदमी को ऑर्डर देता है कि प्रोटैगनिस्ट को गोली मार दे। सेटो का आदमी गोली चलाता है, बट वो गोली नीचे पड़ा इन्वर्टेड ब्लू सोल्जर खा लेता है। वो ब्लू सोल्जर फिर केज का दरवाजा खोलकर रिवर्स डायरेक्शन में भागता है और मौका देकर प्रोटैगनिस्ट सेटो के आदमी को ठिकाने लगा देता है। आई नो, इस सीन को देखने के बाद बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, वेट वो गोली गई कहां?
अगर इसे इन्वर्टेड सोल्जर की नजर से देखो तो वह आया, उसने केज का दरवाजा खोला और गोली खाकर मर गया। अब क्योंकि हम इसे रिवर्स में देख रहे थे इसलिए ऐसा लगा कि मरा हुआ आदमी जिंदा होकर उल्टा भाग गया। बाहर फॉरवर्ड नील अच्छे से जानता है कि अगर प्रोटैगनिस्ट को एल्गोरिदम मिल भी गया तब भी वो उसे लेकर बाहर नहीं आ सकते, इसीलिए वो टनल के ऊपर जाकर उनके लिए नीचे रस्सी फेंकता है। दूसरी तरफ कैट अपना कंट्रोल खोकर सेटो को मार देती है, बट लकीली समय रहते नील आयुज और प्रोटैगनिस्ट ने एल्गोरिदम को बचा लिया था। इसी एग्जैक्ट सेम हमर वाले सीन को हमने फाइनल मिशन की शुरुआत में भी देखा था जब ब्लू टीम लैंड हो रही थी, बट तब वो हमर रिवर्स में जा रही थी। माइंड ब्लोन। कोई फायदा नहीं हुआ फिटनेस ट्रैकर का। सेटो के मरने के बाद फिटनेस ट्रैकर एल्गोरिदम की लोकेशन रिलीज कर देगा, बट जब भी कोई वहां पर जाकर खुदाई करेगा तो उसे वहां कुछ नहीं मिलने वाला। बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ, एल्गोरिदम भी बच गया और सेटो भी मर गया। बट वेट, टाइम लूप के क्लूज होने के लिए और भी कुछ चीजें बाकी हैं। याद है ना कैट ने क्या कहा था, जब वो 14 तारीख को साइट सीइंग करके अपने बेटे के साथ यार्ड पर वापस लौट रही थी तब उसने यार्ड में से किसी लेडी को पानी में कूदते देखा। पहले उसे लगा कि शायद सेटो का अफेयर चल रहा है, बट नहीं, उसने अपने फ्यूचर वर्जन को देखा था। जो लेडी उस दिन यार्ड में से पानी में कूदी थी वो फ्यूचर कैट थी। इस दिन से लेकर उस कार वाले चेस सीन तक कैट चुपकर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिंदगी जी रही थी। चलो ये हो गया कैट का लूप क्लोज। अब बात करते हैं उस ब्लू सोल्जर की जो केज का दरवाजा खोलकर रिवर्स डायरेक्शन में भागा था। ह्यूमैनिटी को बचाने की खातिर आयुष एल्गोरिदम को तीन हिस्सों में बांट देता है। आयुष, प्रोटैगनिस्ट और नील एल्गोरिदम को अलग अलग जगह छुपा देंगे और बाद में सुसाइड कर लेंगे ताकि किसी को भी पार्ट्स की असली लोकेशन का पता ना चले। बट नील अपना पार्ट प्रोटैगनिस्ट को देकर अपने किसी अधूरे मिशन को पूरा करने जाता है। तभी प्रोटैगनिस्ट की नजर नील के बैग पर लगी कीचेन पर पड़ती है। नील ही वो सोल्जर है जिसने ओपेरा हाउस में इसकी जान बचाई थी और जो नीचे टनल में सेटर के आदमी के हाथों मारा गया। नील यहां से जाकर अपनी एंट्रोपी रिवर्स कर देगा और फिर से टनल में जाकर अपनी जान दे देगा। What's happened? Happened. नील को अपना टाइम लूप क्लोज करना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। जाने से पहले नील प्रोटैगनिस्ट पर एक और सरप्राइज बॉम्ब डालता है कि नील को फ्यूचर में इसी ने हायर किया था। प्रोटैगनिस्ट ने ही फ्यूचर में टेनेट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी। जो प्रोटैगनिस्ट का फ्यूचर है वो नील का पास्ट था। आई नो इट्स कंफ्यूजिंग, बट इतना भी नहीं। नील के लिए फ्रेंडशिप जहां खत्म हुई है वहीं प्रोटैगनिस्ट के लिए फ्रेंडशिप शुरू हुई है। तो प्रोटैगनिस्ट ऑलरेडी जानता था कि आगे चल के नील उसके लिए अपनी जान दे देगा। वेल, उसके लिए नहीं, टेक्निकली दुनिया को बचाने के लिए। ये सब पता होने के बावजूद भी अपने फ्यूचर में प्रोटैगनिस्ट ने नील को इस मिशन के लिए हायर किया था। मतलब प्रोटैगनिस्ट को ऑलरेडी पता था कि ये मिशन कैसे एंड होगा। ये सारा का सारा मिशन, इन शॉर्ट ये सारी मूवी ही एक लंबा टेम्पोरल पिंसर मोमेंट था जिसे फ्यूचर प्रोटैगनिस्ट ने रन किया ताकि वो दुनिया को बचा सके। जैसे नील ने उसकी आइडेंटिटी पास्ट प्रोटैगनिस्ट से छुपाई, बिल्कुल वैसे ही फ्यूचर प्रोटैगनिस्ट ने नील की किस्मत उससे छुपाई। क्यों? Well, क्योंकि what's happened, happened. अब नील की जान बचाने सारी दुनिया के खात्मे का तो रिस्क नहीं ले सकते ना, इसीलिए प्रोटैगनिस्ट को अगर अपना टाइम लूप क्लोज करना है तो आगे चल के टेनेट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करनी पड़ेगी और इस मिशन के लिए नील को हायर करना पड़ेगा ताकि नील पास्ट में जाकर पास्ट प्रोटैगनिस्ट की जान बचा सके। दो बार इसने इसे बचाया, एक बार ओपेरा हॉल में और एक बार इधर। ना चाहते हुए भी इसे प्रिया को मारना पड़ा, वरना प्रिया कैट को मार देती। टाइंग अप द लूज एंड्स। ये प्रिया के लिए नहीं बल्कि सारे के सारे लोग प्रोटैगनिस्ट के लिए काम कर रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मैक्स ही नील है? वेल, क्रिस्टोफर नोलन के इशारे तो कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो खास इस मूवी के लिए रॉबर्ट पैटिनसन ने अपना एक्सेंट चेंज किया और उसका हेयर कलर भी कैट और मैक्स के हेयर कलर से मैच करता है। तो क्या वाकई में मैक्स ही नील है? वेल, इसके लिए हमें इनके पहली मुलाकात वाला सीन देखना होगा। जब एडल्ट नील फर्स्ट टाइम पास्ट प्रोटैगनिस्ट से मिला था तब इसने उसे बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछा था, क्या जरूरत पड़ने पर अपने मिशन को अंजाम देने तुम किसी बच्चे को हॉस्टेज बनाओगे? प्रोटैगनिस्ट बेझिझक रिप्लाई करता है कि बिल्कुल नहीं। तो यहां हम ऑलरेडी जानते हैं कि प्रोटैगनिस्ट अपने मकसद के लिए किसी बच्चे का सहारा नहीं लेने वाला। या तो प्रोटैगनिस्ट ने दुनिया को बचाने की खातिर अपने रूल्स चेंज कर दिए या फिर नील इज मैक्स वाली थ्योरी गलत है। अगर दोनों कैरेक्टर्स की एज को भी ध्यान में रखो तो मैक्स ऑलमोस्ट 10 साल का है और नील यानी रॉबर्ट पैटिनसन 34 साल का है। तो अगर नील ने 24 साल की एज में भी अपनी एंट्रोपी रिवर्स कर दी तो 10 साल वाले बचपन में आने इसे 14 साल रिवर्स जीना पड़ेगा। बट नील ने ऑलरेडी प्रोटैगनिस्ट से कहा था कि उसने फिजिक्स में मास्टर्स किया है, तो वो कब हुआ? अगर किसी तरह कर भी लिया तब भी रिवर्स में इतने साल जिंदगी जीना मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकल आंसर है। पर्सनली मेरा मानना है कि नील और मैक्स दोनों अलग अलग बंदे हैं। नोलन जानते थे कि फैंस इस बात को जरूर नोटिस करेंगे, इसीलिए जानबूझकर ऐसे वाले हिंट प्लांट किए गए। आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।